कौन सा नया तमाशा लगा रहे हो वलीद? तुम्हें कोई अंदाजा है कि ये जो तुम घटिया बातें कर रहे हो, तुम अपनी बहन के खिलाफ कर रहे हो? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अरूसा के झूठ को तुम सच मान लोगे। अरूसा कहां से आ गई इस मामले में? अरूसा नहीं आई तो और कौन? वही है ना फसाद की जड़, उसी ने ये सारे झूठ बोले ना तुम्हें, ये सारी लगाई बुझाई। और जाहिर सी बात है उसी ने करनी थी, उसने मेरी बच्ची से अपनी अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। आप क्या मुझे छोटा बच्चा समझती हैं? या मैं बेवकूफ हूं और आप लोग दुनिया में सबसे ज्यादा अकलमंद हैं? बीनी की जिन लड़कियों से दोस्ती है उन लड़कियों को आप भी अच्छी तरह जानती हैं, क्योंकि वो लड़कियां हमारे घर पे आती जाती रही हैं। यूनिवर्सिटी की सबसे बदनाम लड़कियां हैं बाबा वो, और ये बात सिर्फ यूनिवर्सिटी वाले नहीं पूरा शहर जानता है। दोस्ती थी, दोस्ती है नहीं, मैंने खत्म करवा दी थी तमाम दोस्तियां। गलत फहमी है आपकी, झूठ बोला है उसने आपसे, आपकी आंखों में धूल झोंकी है। ये दोस्ती खत्म नहीं हुई बल्कि मजीद बढ़ चुकी है। हॉस्टल में वो उन्हीं लड़कियों के साथ रह रही थी, पढ़ाई का तो सिर्फ बहाना है बाबा, हर शाम को वो उन लड़कियों के साथ पार्टी में जाती थी। और पागल हो गया ये, मैंने आपको बताया था ना, मैं खुद गई थी हॉस्टल, अपनी आंखों से देखा, हमारी बच्ची वहां पे बाकी लड़कियों के साथ पढ़ रही थी। जहीर ये तो पता नहीं, ये जो सारे झूठ बोल रहे हो, एक भी सबूत है तुम्हारे पास? हाँ जहीर, जहीर ये गलत बोल रहा है। जहीरा मेरी बात सुने, जहीर मैं सच बोल रही हूं ना जहीर? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? नहीं है। भरोसा नहीं है ना मुझ पर? नहीं है। जो सबूत मैं आपको दूंगा आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, ये देखें, ये है सबूत।